नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए, फ्रॉम ए टू बी बोल लो पहले, टू की पावर एम एन, और ए टू ए की बात करोगे टू की पावर एन स्क्वायर, दोनों सेम ही होंगे। अब इस पे भी एक प्रॉब्लम बन सकता है, जैसे आपसे बोल दिया जाए फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ऑन सेट ए 2, 4, 6, आंसर हो गया आपका 2 की पावर 3 स्क्वायर, 2 की पावर 3 into 3, ऐसे सोच लिया भाई। इसमें कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे सोचा करो, 3 into, सबसे बड़ी 3 into 3 9, 2 की पावर 9 5 1 2। लिखो टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला रिलेशन एम्प्टी रिलेशन, लिख लो काम तो आएगा नहीं, ना एम्प्टी काम आने वाला है ना यूनिवर्सल काम आने वाला है। लिख लेते हैं एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन, ये तीन रिलेशन आपके काम में नहीं आएगा, आज तक तो नहीं पूछा गया भाई। आइडेंटिटी रिलेशन अब एम्प्टी रिलेशन क्या होता है कि जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा, 5, क्योंकि 5 किसका सबसेट होता है हमेशा एक रो से का, इसलिए एम्प्टी रिलेशन एग्जिस्ट करते। अच्छा, एक रो से खुद का सबसेट होता है इसलिए यूनिवर्सल रिलेशन भी एग्जिस्ट करता है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इन दोनों पे एग्जांपल लिख लो। ए इक्वल टू 1, 2, 3, रिलेशन आर इक्वल टू x comma y such that x minus y is greater than 4, xy belongs to a। बताइए ऐसे कोई भी दो एलिमेंट बताइए जिनका डिफरेंस, जिनका डिफरेंस 4 से ज्यादा है। कोई आ ही नहीं रहा, r equal to 5, कोई भी नहीं आ रहा, तो r equal to 5, तो ये कौन सा रिलेशन हो गया भाई? फर्स्ट वाला है एग्जांपल एम्प्टी रिलेशन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल ये है हमारा एम्प्टी रिलेशन, ए इक्वल टू 1, 2, 3, रिलेशन आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच डेट मॉडुलस एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा सब आएंगे, 1, 1 भी आएगा, 1, 2 भी आएगा, 1, 3 भी आएगा, 2, 1 भी आएगा, 2, 2 भी आएगा, 2, 3 भी आएगा, 3, 1 भी आएगा, 3, 2 भी आएगा, 3, 3 भी आएगा। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया भाई हमारा? यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। तो दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन, तो ये रिलेशन कहलाता है भाई यूनिवर्सल रिलेशन। तीसरा है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन, थर्ड आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन और रिलेशन आर ऑन सेट ए 2 सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, every element of A is related to itself only, केवल खुद से related है।
एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, केवल खुद का खुद के साथ रिलेशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। एग्जाम्पल यही ले लेते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3, आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच डेट एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, आर क्या आएगा भाई हमारा 1 1 आएगा, 2 2 3 3, बस केवल खुद का खुद के साथ रिलेशन, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। अब ये तीनों काम नहीं आते हैं, बस आप आइडिया रखिए कि ऐसा होता है। अब जो अगले तीन बता रहे हैं वही काम में आएंगे, सोना मत वही कोई भी, ध्रुव नींद नहीं आनी चाहिए। जागते रहो, भाई मैं तो एक चीज मानता हूँ, आप चाहे बोर हो रहे हो ना तो भी अरे सर मजा आ गया ऐसा होना चाहिए, अरे सर अरे क्या, अरे वाह वाह, अरे आया ना ऐसा हो रहा हो तो फिर देखो नींद नहीं आई, सो रहा था वो, अभी सो रहा था वो, इसलिए मैंने देखा उसने दो तीन झपकी तो मार ली स्टाइल से, तो मेरे को मेरा ध्यान चला गया, मैंने झपकी मार रहा है। चाय तो मैं पिलाऊंगा ढंग से, देखना सही तू स्पेशल है कि नहीं, किसको नहीं बुलाई तेरी, तू स्पेशल है कि नहीं, नहीं स्पेशल है नहीं, अरे अपना आप स्पेशल है, स्पेशल है कि नहीं, अरे अपना तू तो मना कर रही है, भाई या तो मना कर दे, मैं तो नहीं हूँ सर, मैं तो ऐसे ही हूँ, हैं पागल है ये बोलने को, ऐसे ही बोलिस भाई, हम तो यही मतलब निकालते हैं ऐसे ही, हैं आपको बता दे स्पेशल है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और रिलेशन आर ऑन सेट ए भाई, तुम्हारी क्लास स्टार्ट होगी तो तुम चलो तुम लीव कर जाओ बस, बाकी तुम्हें इवनिंग में पढ़ा देंगे, तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो रही हो तो सर होगी जब लीव कर लेंगे, ठीक है। और रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव, ए एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, अब दोनों में अंतर है, यहां ओनली नहीं है, जैसे एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 2 3, आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई, एक्स इज डिविजिबल बाय 1, एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, अब देखना इसका आर क्या 1 1 से डिवाइड होता है, क्या 1 2 से डिवाइड होता है, क्या कौन है, यस सर 1 2 से डिवाइड होता है, क्या 1 3 से होता है, क्या 2 1 2 2 2 3 नहीं होता, 3 1 3 3, अब इसमें खुद का खुद के साथ रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक्स्ट्रा कुछ भी आया हमें कोई मतलब नहीं, बस खुद का खुद के साथ आना चाहिए, तो ये कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो भी सकता है और नहीं हो सकता, वो आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं है, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव के लिए वो यही पूछेगा आपसे, तो सीधा बोलेगा कि ए इक्वल टू 1 2 3, और उसने रिलेशन दे दिया आपको 1 2 2 1 2 2 3 3, अब आपसे पूछ रहा बताओ ये रिफ्लेक्सिव है क्या, नहीं है, क्यों नहीं है, 1 1 नहीं है,
इसमें वन वन नहीं आ रहा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं। अच्छा कौन सा रिफ्लेक्सिव होता है, जैसे मैंने आपसे बोल दिया इस पैरेलल टू, मजा आ गया ना, इस पैरेलल टू अ लाइन इज पैरेलल टू सेकंड लाइन, एक लाइन खुद के पैरेलल होती है कि नहीं होती, तो वो रिफ्लेक्सिव। इस पैरेलल टू मतलब एक लाइन दूसरे के पैरेलल है तो रिफ्लेक्सिव, इस परपेंडिकुलर होता तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो आपका इस पैरेलल टू इज रिफ्लेक्सिव, एक लाइन खुद के पैरेलल होती है, एक ट्रायंगल खुद के सिमिलर होता है, एक ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है। इसके बाद आता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और रिलेशन ऑफ ऑन सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। यदि ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का भी ए के साथ रिलेशन है। जैसे आपका इस परपेंडिकुलर टू, ये हमारा सिमेट्रिक, यदि एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दूसरी लाइन भी पहली लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक ट्रायंगल दूसरे के को सिमिलर है, दूसरा ट्रायंगल भी पहले के सिमिलर हो, एक ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये साइन तो जानते ना भाई, कोई तो नहीं है ना कि सर ये क्या होता है, तो ये कॉन्ग्रुएंट। तो ये सब किसके एग्जांपल हैं आपके सिमेट्रिक रिलेशन। और ये भी पहचानना बड़ा इजी है। अब जैसे मैं आपसे बोलूं, ये मैं आपसे पूछा हूं क्या ये सिमेट्रिक है क्या, देख लो अच्छी, ये है, उससे आपको क्या मतलब है, यदि वन टू है तो टू वन आना चाहिए, वन टू है तो टू वन आ रहा, टू टू का उल्टा टू टू, थ्री थ्री का उल्टा थ्री थ्री, कहा तो रहा है सिमेट्रिक, कहा मना कर रहा, फिर आप बोलो सर वन थ्री नहीं आ रहा, उससे आपको क्या मतलब, वन थ्री आ रहा होता तो थ्री वन आना चाहिए, अभी वन टू आ रहा है तो टू वन आ रहा, इसका मतलब ये क्या है सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, और रिलेशन आर ऑन सेट ए, और रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा सी बिलोंग्स टू, ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है, तो ए का सी के साथ, क्या ये ट्रांजिटिव है क्या, रीजन कौन कौन नहीं है जिसकी वजह से नहीं है, देखो वन टू आ रहा है, क्यों नहीं है ये का, एक एक बताओ कौन बता रहा है, टू थ्री आना जरूरी है, क्यों आना जरूरी है भाई टू थ्री, बेटा ट्रांजिटिव में कभी इन दोनों को तो देखते ही नहीं आप, इन दोनों को तो भूल जाओ, जो सेम वाले उनको तो ट्रांजिटिव में नहीं देखते ना सिमेट्रिक में देखते, तो सिर्फ वन टू और टू वन को देखना है, तो वन टू आ रहा है टू वन आ रहा है तो क्या आना चाहिए, तो वन वन नहीं आ रहा, इसलिए ये ट्रांजिटिव, इसलिए ये ट्रांजिटिव, यदि वन वन आ रहा होता तो ये ट्रांजिटिव हो जाता, वन टू आ रहा है टू वन आ रहा है तो हमारा क्या क्या आना चाहिए, वन वन,
तो ये ट्रांजिटिव नहीं है बिकॉज क्या नहीं आ रहा, वन वन नहीं आ रहा, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं। और सबों मैंने इसमें वन वन जोड़ दिया, अब सबों मैंने ऐसे लिख दिया वन टू टू वन 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 थ्री थ्री। अब मुझे बताओ ये ट्रांजिटिव है क्या भाई, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक तो है, ट्रांजिटिव कौन बोल रहा नहीं है, कौन बोल रहा, कोई बोला था अभी, हाँ वेरी गुड, ट्रांजिटिव नहीं है। अरे वन टू और टू वन तो वन वन तो आ रहा, तो आप सीधा क्यों देख रहे हो इसको, उल्टा भी तो देखो, टू वन आ रहा है, टू वन आ रहा है, वन टू आ रहा है, तो क्या क्या आना चाहिए, तो टू टू कहाँ आ रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं। आप सीधा क्यों देख रहे हो, आप जरूर थोड़ी कि मैंने कहीं भी लिख दिया तो आप उसी फ्लो में देखोगे, उल्टा सीधा सब देखोगे आप। अब यदि मैं इसमें टू टू भी एड कर दूं तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव। और यदि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों आ गया तो कौन सा रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इफ अ रिलेशन आर, इफ अ रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये था भाई आपका रिलेशन, अब इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं आपके, इसी के बस हो गया ना, चार पांच क्वेश्चन ही तो है, क्या क्या करते हैं कल, क्यों करेंगे भाई, बस ज्यादा ओल्ड लो, इज स्मॉलर देन, बताओ रिफ्लेक्सिव है, एक एलिमेंट दूसरे खुद से स्मॉलर हो सकता है क्या भाई, इसको आप एक काम करो, जब भी ऐसा लिखा हुआ है ना, यहाँ ए लगा दो और यहाँ, तो ए इज स्मॉलर देन बी, तो पहला रिफ्लेक्सिव के लिए ये होना चाहिए जो कि गलत है, सिमेट्रिक के लिए ए लेस देन बी है तो बी लेस देन ए होना चाहिए, गलत है भाई, ए बी से छोटा है तो बी ए से छोटा कैसे होगा, और ट्रांजिटिव है, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, इसका मतलब पहला आंसर क्या हो गया आपका, ट्रांजिटिव, बस ओनली ट्रांजिटिव। पांच क्वेश्चन और बाकी हैं, बस कंप्लीट है आज, और कल से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। सेकेंड इज इक्वल टू मत करो, इज इक्वल टू तो वाला सब है, हाँ वाइफ हो इसको तो मतलब घर वालों से बात करनी पड़ेगी। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, रिफ्लेक्सिव, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स हो नहीं सकता, सिमेट्रिक, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई है तो वाई इज वाइफ ऑफ एक्स नहीं हो सकता, और ये ट्रांजिटिव। अब आप बोलोगे सर x इज वाइफ ऑफ y, y इज वाइफ ऑफ z, तो बेटा रिलेशन ही पॉसिबल नहीं, अरे रिलेशन आगे पॉसिबल होता तो होना चाहिए ना, तो एक फिर वही बात, मजाक की बात आ गई, क्या y इज वाइफ ऑफ z पॉसिबल है क्या, क्यों नहीं, अरे एक ही नहीं, क्यों पॉसिबल नहीं, अरे एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, वाई इज वाइफ ऑफ जेड, पॉसिबल है क्या, नहीं, तो जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो फिर ट्रांजिटिव होगा। अब क्यों ट्रांजिटिव होगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको समझना, वन टू थ्री,
और मैंने बोला रिलेशन आर गिवन है आपको 1 1 1 2 और 3 3। अब मैंने आपसे पूछा क्या ये रिफ्लेक्सिव है तो आप मना कर दोगे। मैं आपसे पूछू क्या ये सिमेट्रिक है तो आप मना कर दोगे। क्यों मना करोगे? 1 2 का उल्टा नहीं है, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि 2 2 नहीं। अब मैं आपसे बोलूं कि क्या ये ट्रांजिटिव है? ये ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है। इन दोनों को तो देखना ही नहीं है। अब ये अकेला है, अकेला है तो यदि इसके साथ कोई रिलेशन आ रहा होता तो फिर आना चाहिए था, लेकिन अकेला है तो फिर कुछ नहीं, इस पे ट्रांजिटिव है। और वैसे भी देखो 1 1 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, तो 1 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। हाँ बेटा कार्तिक तू कहीं कंफ्यूज हुआ है, बोल। हाँ तो जब भी तो सिमेट्रिक मना कर दिया, सिमेट्रिक मना कर दिया, सिमेट्रिक वहां सिमेट्रिक राइट कर रखा है क्योंकि 1 2 है तो 2 1। क्लियर? अकेला आएगा तो फिर वो ट्रांजिटिव। इज स्क्वायर ऑफ ए इज स्क्वायर ऑफ बी, कुछ भी नहीं है ये, ए इज स्क्वायर ऑफ बी। अब ए इक्वल टू बी स्क्वायर, तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए ए इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए। ए इक्वल टू बी स्क्वायर है तो बी इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए। ए इक्वल टू बी स्क्वायर है, बी इक्वल टू सी स्क्वायर है तो ए इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए। तो ये तीनों ही नहीं, तो ये तीनों ही नहीं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव जो भी है सब कंप्लीट हो। कल से हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, 8:30 बजे फिक्स क्लास स्टार्ट हो जाएगी। फिक्स मतलब फिक्स, 8:30 से 10:15 तक। 15 मिनट तुम्हें दे दिए चाय पीने की। ओके okay.